हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी स्टार्ट क्लास इलेवंथ मैथ चैप्टर टेन स्टेट लाइंस मिसलीनियस एक्सरसाइज बेटे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल क्वेश्चन नंबर नाइनटीन देखिए इफ़ द लाइंस वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन एंड टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री आर इक्वली इनक्लाइंड टू द लाइन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस फोर द वैल्यू ऑफ एम ठीक है आपको इनक्लाइन का मतलब पता है आपने टेन पॉइंट वन में इंट्रोडक्शन में किया था जब भी हमारा लाइन के साथ इंक्रीनेशन होता है तो इसका मतलब ये है कि वो हमारा इंकलीनेशन एंगल बन रहा है ठीक है इंक्रीनेशन एंगल तो वो है हमारे पास छिट्टा ठीक है तो अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि लाइन जैसे ये एल वन लाइन है ये एल टू लाइन है ये इक्वली इंक्लाइंड हो रही है लाइन थर्ड से ठीक है तो ये हम थर्ड लाइन ले रहे हैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस फोर एंड ये लाइन ले रहे हैं हम दो अदर लाइन जो हमें दी है एल वन लाइन दी है एक एल टू लाइन दी है ठीक है तो ये जो एंगल बना रही हैं इनक्लाइन इक्वली इनक्लाइंट हो रही है लाइन थर्ड के साथ ठीक है बेटा ओके तो हमें आ, m की वैल्यू फाइंड करके देनी है जब भी हमारे पास इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस होता है तो बेटा तो वो एंगल बिटवीन टू लाइन वाला फॉर्मूला लगेगा वहाँ पे क्या लगेगा एंगल बिटवीन टू लाइंस ठीक है जो हमें गिवन है वो हम लिखेंगे और इसके डायग्राम फेयर ड्रॉ करके आप इसको सॉल्व कर रहे हैं अभी ठीक है ये हमारा जो गिवन है वो हमने ले लिया ये डायग्राम ड्रॉ कर ली बेटा एल वन लाइन एल टू लाइन और ये एल थ्री लाइन ये एल वन और एल टू जो है वो इक्वली इनक्लाइंड हो रही हैं लाइन एल थ्री के साथ ठीक है बेटा इक्वेशन ऑफ लाइंस एल वन है हमारे पास ये वाई इजक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन एंड एल टू की है इक्वेशन टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री तो हम इस लाइन इस को हम अगेन uh, लिख रहे हैं फिर से एक्स प्लस ये माइनस टू वाई और ये प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो हमारे पास लाइन होगी ओके और एल थ्री जो लाइन है वो है हमारे पास वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस फोर ये लिख लिया हमने ठीक है और लाइन्स जो एल वन एंड एल टू आर इक्वली इंक्लाइंड बाय द लाइन एल थ्री ठीक है और स्लोप ऑफ लाइन एल वन अभी हम एल वन ले रहे हैं एम वन नहीं लिख रहे क्योंकि हमें इस और इस लाइन का हमें क्या निकालना है एंगल बिटवीन टू लाइन्स है ना तो वहाँ पर हम एम वन एम टू अगर यहाँ पर ले लेंगे थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे इसलिए हम एम वन और एम टू वहाँ पर लिखेंगे क्लियर है एल वन इज इक्वल टू थ्री लाइन एल टू की जो स्लोप है बेटा वो माइनस ए अपॉन बी तो माइनस ए है हमारे पास वन uh, और बी है हमारे पास माइनस टू तो ये माइनस माइनस कैंसिल वन बाई टू आ गया ठीक है स्लोप ऑफ लाइन एल थ्री है वो आप देख रहे हैं वो एम हमें दिया हुआ है तो हम सीधा एम ही लिखेंगे ठीक है वी नो दैट एंगल बिटवीन लाइंस एल वन एंड एल थ्री जो है वो क्या होता है बेटा उसके लिए हमें स्लोप चाहिए ठीक है स्लोप चाहिए लाइन l1 की वो हमने ले लिया m1 वो थ्री ले लिया और स्लोप ऑफ लाइन जो है वो एल थ्री के वो ले लिया हमने एम टू और एम क्लियर है बेटा तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है टेन थिट्टा इजिकल टू मॉडुलस एम टू माइनस एम वन अपॉन में वन प्लस एम वन और एम टू ठीक है अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास वैल्यू क्या है इसकी एम टू की वैल्यू है बेटा एम और एम वन की वैल्यू है थ्री अपॉन में है वन प्लस एम वन की वैल्यू है हमारे पास थ्री और एम टू की है एम ठीक है ये हमारे पास इसकी एंगल बिटवीन टू लाइंस का ये फार्मूला आ गया इसको अभी हम ले रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ठीक है अब एंगल बिटवीन अनदर टू लाइंस है वो एल टू है और एल थ्री लाइन है एल टू की स्लोप यहाँ पे हमने एम वन ले ली है वो वन वन टू है एल थ्री की जो स्लोप है वो हमने ले लिया एम टू इज इक्वल टू दिस ठीक है तो tan छिट्टा इज इक्वल टू एम टू माइनस एम वन अपान में बेटा वन प्लस एम वन और एम टू तो tan छिट्टा इज इक्वल टू एम टू है हमारे पास एम एंड एम वन है जो वो है वन बाय टू अपन में है हमारे पास वन प्लस एम वन है बेटा वन बाय टू और एम ठीक है तो इसको आप एक स्टेप और कर लेंगे इसके लिए टू से मल्टीप्लाई कर लेंगे टू एम माइनस वन अपॉन में टू और ये टू प्लस एम अपॉन टू ठीक है इसके लिए मैं यहीं पे लिख रही हूँ यहाँ पे टू एम माइनस वन अपॉन में आ जाएगा टू प्लस एम जो टू है ये टू से कैंसिल हो गया क्लियर है बेटा टू टू से कैंसिल हो गया ओके अब बच्चे आप देख रहे हैं इसको आपने इक्वेशन वन लिया इसको आप ले रहे हैं इक्वेशन टू क्लियर है फ्रॉम वन एंड टू से जब आपके पास ये लाइन्स है इसकी कौन सी लेफ्ट साइड है इक्वल है तो राइट right साइड भी इक्वल होगी ठीक है तो इसके लिए हम ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू ठीक है तो हमारे पास आया था यहाँ पे एम माइनस थ्री मॉडुलस में अपॉन में है वन प्लस थ्री एम इज इक्वल टू यहाँ पे है बेटा टू एम माइनस टू एम माइनस वन अपॉन में है बेटा टू प्लस एम ठीक है ये हमारे पास इक्वेशन वन और टू से आ गई वैल्यू ठीक है अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है मॉडुलस में है जब भी मॉडलस में वैल्यू होती है तो हमारे पास क्या आती है वो प्लस माइनस में बाहर आएगा क्यों बेटा क्योंकि हमारे पास जो एम है उसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं ठीक है ठीके? इसलिए हमने टू एम माइनस वन अपॉन टू प्लस एम ठीक है तो यहाँ पे भी प्लस माइनस लगता लग सकता है यहाँ पे भी बट हमने दो ही केस लेने हैं यहाँ पे ठीक है तो अब ले रहे हैं हम यहाँ पे प्लस वाली साइड थ्री वन प्लस थ्री एम इज इक्वल टू टू एम माइनस वन और टू प्लस एम ठीक है फर्स्ट केस हम यहाँ पे ले रहे हैं और नेगेटिव केस यहाँ पे लेंगे थ्री वन प्लस थ्री एम इज इक्वल टू माइनस टू एम माइनस वन अपॉन में है टू प्लस एम क्लियर है बेटा अब इसको आप सॉल्व करें बेटा एम माइनस थ्री और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी होल टर्म इधर टू प्लस एम इजिक्वल टू टू एम माइनस वन और ये वन प्लस थ्री एम ठीक है अब आप मल्टीप्लाई करें एम के साथ टू एम और प्लस एम स्क्र माइनस के साथ थ्री थ्री टू ज़ा सिक्स और माइनस थ्री एम इज इक्वल टू टू एम के साथ करें बेटा टू एम और टू 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 थ्री ज़ा सिक्स एम स्क्र और यहाँ माइनस वन के साथ माइनस वन एंड माइनस थ्री एम ठीक है अब आप देख रहे हैं थ्री एम से थ्री एम कैंसिल टू एम से टू एम कैंसल ठीक है अब एम स्क्र है यहाँ पे और ये वाला इधर आके क्या हो जाएगा माइनस सिक्स एम स्क्र और यहाँ पे बेटा माइनस वन है आपके पास और ये माइनस सिक्स यहाँ पे आके प्लस प्लस सिक्स हो जाएगा ठीक है यहाँ पे हमारे पास माइनस फाइव एम स्क्र इजिक्वल टू यहाँ पर क्या आया पॉजिटिव फाइव एम स्केर इक्वल टू फाइव अपॉन माइनस फाइव तो ये आपने कैंसिल किया आपके पास क्या आ गया माइनस वन तो आप देख रहे हैं एम स्केयर की वैल्यू माइनस वन आई है स्केयर की वैल्यू कभी भी हमारे पास नेगेटिव में हो सकती है नहीं तो हम इसको क्या करेंगे इसको निगलैक्ट करेंगे बेटा इसको निग्लेक्ट करेंगे ठीक है क्योंकि ये हमारे पास क्या है इमेजिनरी नंबर आया है तो ये हमारी स्लोप जो है वो इस फॉर्म में नहीं हो सकती ठीक है हम इसको क्या करें निगलैक्ट कर रहे हैं तो इस केस को हम सॉल्व करके देख रहे हैं एम माइनस थ्री और ये टू प्लस एम इज इक्ल टू माइनस टू एम प्लस वन और मल्टीप्लाई में हम कर रहे हैं वन प्लस थ्री एम ठीक है एम के साथ करेंगे बेटा टू एम और प्लस एम स्क्र माइनस थ्री से करेंगे माइनस सिक्स और माइनस थ्री एम इजिक्वल टू नेक्स्ट हमारे पास माइनस टू से करेंगे बेटा माइनस टू एम माइनस टू और थ्री कितना हुआ माइनस सिक्स एम का स्क्वेयर और वन के साथ करेंगे वन प्लस थ्री एम ठीक है नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे टू एम है और ये टू हाँ बेटा इसको कर लीजिए टू एम और थ्री एम कितना आ गया एम हो गया किसका माइनस का और यहाँ पे प्लस एम स्क्र माइनस सिक्स इज इक्वल टू टू एम और ये थ्री एम कितना आ गया एम हो गया, गया यहाँ पे और ये माइनस सिक्स एम स्क्र प्लस वन अब सारी की सारी वैल्यू इस साइड शिफ्ट कर लीजिए माइनस एम प्लस एम स्क्र माइनस सिक्स माइनस एम और ये प्लस सिक्स एम स्क्यर माइनस वन इक्वल टू जीरो अब आप देख रहे हैं माइनस एम माइनस एम कितना हुआ माइनस टू एम और ये एम स्क्यर और सिक्स एम स्क्यर कितना हुआ सेवन एम स्क्यर ये आगे लिख लिया मैंने एम स्क्र ठीक है और माइनस सिक्स और माइनस वन कितना हुआ माइनस सेवन इक्वल टू जीरो अब आपके पास ये क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई यस तो बेटा यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जब भी आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या होता है हमारे पास सेवन सेवन जो ये फोर्टी नाइन हो गया इसके हमने फैक्टर देखे सेवन सेवन जो फोर्टी नाइन सेवन वन जो सेवन तो ये सेवन और सेवन को हम प्लस माइनस करके टू देखते हैं आता है तो नहीं आ रहा ना सेवन को ये प्लस करेंगे तो हमारे पास फोर्टीन हो जाएगा सेवन माइनस सेवन करेंगे इधर सेवन प्लस तो ये क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा ठीक है तो इसलिए बेटा हमारे पास क्या है इस फॉर्म से हमारे पास एम की वैल्यू नहीं आ रही है ठीक है तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे इसका ठीक है कौन सा लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला तो वो आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है आपके पास वो होता है बेटा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्र रूट बी स्क्र माइनस फोर ए सी अपॉन में है टू ए ठीक है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है तो हम इसको यूज करेंगे यहाँ पे ठीक है अब हमारे पास हमें m की वैल्यू लेनी है m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्यर रूट बी स्क्र माइनस फोर ए सी ठीक है अपॉन में बेटा टू ए तो अब आप यहाँ से हम जनरल इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे तो ए है हमारे पास यहाँ पे सेवन बी है हमारे पास माइनस टू सी है हमारे पास माइनस सेवन क्लियर है बेटा अब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं हमारे पास बी की वैल्यू क्या है माइनस टू और माइनस क्या हो गया प्लस टू प्लस माइनस स्क्यर रूट में बी स्क्र आ जाएगा फोर माइनस फोर ए की वैल्यू है सेवन और सी की वैल्यू है माइनस सेवन अपॉन में है बेटा टू और ए कितना हो गया सेवन तो कितना हो गया फोर्टीन आ गया वो ठीक है अब आप इसको सॉल्व करेंगे टू प्लस माइनस स्केयर रूट फोर माइनस अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे सेवन सेवन ज़ा फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन फोर ज़ा फोर्टी नाइन फोर ज़ा होता है आपके पास वन नाइन्टी सिक्स ठीक है अपॉन में आपके पास फोर्टीन क्लियर है बेटा यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया ये ठीक है टू प्लस माइनस ये आ गया आपके पास टू हंड्रेड अपॉन में फोर्टीन क्लियर है बेटा आगे देखिए यहाँ पे बेटा टू प्लस माइनस अब ये आपके पास क्या है टेन टेन सा हंड्रेड हंड्रेड का स्क्वायर आ गया तो टेन बाहर आ गया तो अंदर क्या रहा आपके पास टू रहा ठीक है और यहाँ पे नीचे फोर्टीन क्लियर है बेटा नेक्स्ट देखिए आगे यहाँ पे आप देख रहे हैं टू टू कॉमन आ रहा है यहाँ से भी टू कॉमन आ रहा है तो हमने टू कॉमन लिया ऊपर भी और नीचे भी हमारे पास अंदर वन प्लस माइनस फाइव स्क्योरू टू अपॉन में सेवन तो ये वैल्यू आ गई ये कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया एम की वैल्यू क्या आई हमारे पास एम इज इक्वल टू वन प्लस माइनस फाइव रूट टू अपॉन सेवन ठीक है तो हमें m की वैल्यू चाहिए थी तो ये m की वैल्यू हमारे पास आ गई ओके होप आपको बेटा क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में बेटा इफ सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइंस दिस एंड दिस इज ऑलवेज टेन शो दैट पी मस्ट मूव ऑन अ लाइन आपको बोला गया है बेटा कि जो एक परपेंडिकुलर आपके पास सम है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का किन से ये दो लाइन से ठीक है वो आपके पास टेन है क्लियर है बेटा और आपको बोला है जो पॉइंट है ना जहाँ से आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है तो वो पॉइंट मूव कर रहा है किसी लाइन के ऊपर तो वो आपको शो करना है ठीक है फिर से सुनिए क्वेश्चन आपको बोला गया है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दो लाइन का उनका सम टेन दिया गया है और जो पॉइंट है जहाँ से आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया तो बेटा वो पॉइंट जो है वो एक लाइन पे मूव कर रहे है ठीक है तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिखेंगे मतलब हमारे पास जो दो लाइन है वो और उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बनाएंगे और बीच में हमें जो बोला गया है पॉइंट पी है वो एक लाइन पे मूव करेगा तो वो आपको शो करना है ठीक है आप गिवन सारा लिखिए और डायग्राम हम बना रहे हैं इसकी ठीक है तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे बेटा आपको बेटा इक्वेशन ऑफ लाइंस दी गई है एल वन एल टू एंड ये बोला क्या है दोनों का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी वन और डी टू उन दोनों का सम है टेन ठीक है और जिस पॉइंट से इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो पॉइंट जो है वो एक लाइन पे मूव करेगा ठीक है वो आपको शो करना है क्लियर है बेटा ओके okay. तो हमें डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन जो है वो दिया गया है बेटा उसका फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का पता आपको डी वन क्या आएगा आपके पास d इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में स्क्यर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र ये आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला है ठीक है तो हम एक का ले रहे हैं डी वन और दूसरे का ले रहे हैं डी टू ठीक है आपको जो पॉइंट पी के आएंगे वो बताना है कि वो एक लाइन की फॉर्म में आ रहे हैं तो सबसे पहले हम दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे और उसको ऐड करेंगे उसके बाद इसको बताएंगे ठीक है तो सबसे पहले हमने D1 ले लिया बेटा तो आपको पता है A जो है इक्वेशन हमें दी गई है वहीं से आपका A आएगा और B भी आएगा और C भी तो आपने ले लिया A है हमारे पास वन और X वन है हमारे पास X ठीक है B है हमारे पास वन और Y वन है हमारे पास वन और माइनस फाइव अपॉन ए स्क्र है थ्री का स्क्यर सॉरी वन का स्क्यर और बी स्क्र है हमारे पास वन का स्क्यर ठीक है तो ये हमारे पास आ गया एक्स प्लस वाई माइनस फाइव अपॉन रूट टू मॉडुलस में ठीक है अब दूसरी जो लाइन है इसका डिस्टेंस है हमें डी टू दिया है ठीक है अगेन इसका फॉर्मूला ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में ए स्क्र प्लस बी स्क्र तो बेटा ए है यहाँ पे थ्री और एक्स प्लस बी है माइनस टू और हमारे पास वाई और प्लस सेवन ठीक है अपॉन में है ए स्क्यर है थ्री का स्क्यर और माइनस टू का स्क्यर ठीक है तो ये आ गया आपके पास थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस सेवन ठीक है अपॉन में आ जाएगा बेटा थ्री थ्री ज़ा नाइन टू टू ज़ा फोर तो ये थर्टीन हो गया क्लियर है बेटा ये हमारे पास डी वन आ गया और ये D2 आ गया तो हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है D1 वन प्लस डी टू इक्वल टू टेन ठीक है तो D1 है हमारे पास x प्लस वाई माइनस फाइव अपॉन में रूट टू प्लस डी टू है हमारे पास थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस सेवन अपॉन रूट थर्टीन इज इक्वल टू ले रहे हैं हम टेन ठीक है नेक्स्ट बेटा देखिए इसको हमारे पास है बेटा मॉडुलस है यहाँ पे यहाँ पे भी मॉडुलस है जब भी बेटा हम मॉडुलस से वैल्यू बाहर निकालते हैं तो हमारे पास टू वैल्यूज आती है पॉजिटिव नेगेटिव यस बेटा तो हमारे पास यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव लगेगा यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव लगेगा ठीक है तो हमारे पास जो लाइन के हैं वो लाइन हमारी Uh, काफ़ी साइन से बन सकती है मतलब ठीक है यहाँ पे प्लस हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव ठीक है और यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्लियर है तो हमारे मैनी uh, केसेस से हमारी ये लाइन बन सकती है मैनी साइन से ठीक है तो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं अभी यहाँ पे हमने एज्यूम किया है एज्यूमिंग किया है जो एक्स प्लस वाई माइनस फाइव है एंड थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस सेवन है आर पॉजिटिव साइन तो हम इनके पॉजिटिव साइन लेके चल रहे हैं क्या है ये आर पॉजिटिव साइन ठीक है हमने इसका क्या इज्यूम किया है कि हम पॉजिटिव साइन लेके चल रहे हैं तो इसलिए एक्स प्लस वाई माइनस फाइव अपॉन में अंडर रूट टू प्लस थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस सेवन अंडर रूट थर्टीन इज इक्वल टू टेन क्लियर है बेटा आगे हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा रूट थ्री से इसको मल्टीप्लाई रूट थ्री से इसको मल्टीप्लाई रूट टू रूट थर्टीन इनके साथ मल्टीप्लाई ठीक है तो रूट आ uh, क्या है थर्टीन थर्टीन एक्स प्लस रूट थर्टीन वाई माइनस फाइव रूट थर्टीन प्लस थ्री रूट टू एक्स माइनस टू रूट टू वाई प्लस सेवन रूट टू इज़ इक्वल टू टेन रूट ट्वेंटी सिक्स ठीक है अब हमारे पास हम जो एक्स की टर्म है वो एक साइड करेंगे वाई की टर्म एक साथ करेंगे और रूट थर्टीन प्लस थ्री रूट टू इसको ले रहे हैं हम एक्स ठीक है यस और प्लस वाई की ले रहे हैं आप वाई में है हमारे पास रूट थर्टीन प्लस सॉरी माइनस है माइनस माइनस टू रूट टू और इसके साथ आया वाई क्लियर है अब हमारे पास जो कांस्टेंट नंबर है वो ले रहे हैं तो कांस्टेंट नंबर में हमारे पास पड़ा है यहाँ पे फाइव रूट थर्टीन प्लस वाला ले रहे हैं पहले प्लस सेवन रूट टू माइनस फाइव रूट थर्टीन ठीक है और बेटा हमारे पास ये सारा कांस्टेंट नंबर है माइनस है हमारे पास टेन और रूट ट्वेंटी सिक्स ओके इक्वल टू जीरो तो ये हमने एज्यूम किया था कि हमारा पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन से हमारी जो वैल्यू आई है ये आई है ठीक है पॉइंट पी की तो हमारे पास ये आया है तो बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली वी कैन ऑप्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर एनी साइंस ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन दस पॉइंट पी मस्ट मूव ऑन अ लाइन तो हमें पता चल गया जो पी है पॉइंट वो किस पे मूव कर रहा है वो एक लाइन पे मूव कर रहा है ठीक है तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास आ गई ओके बेटा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है बेटा फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इक्व डिस्टेंस फ्रॉम पैरल लाइंस दिस एंड दिस ठीक है तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो इक्व डिस्टेंस पे है इन दोनों लाइन से ठीक है तो हम इसकी डायग्राम बनाएंगे कि हमारे पास ओके okay, दो लाइंस है उसके बीच में क्या है एक लाइन है जो इन दोनों के इक्व डिस्टेंस पे है ठीक है मतलब डी वन और डी टू हमें यहाँ पे क्या दिया है इक्वल दिया हुआ है पहले लाइन्स में ठीक है बेटा हम गिवन लिख रहे हैं इसका हमारे पास ये डायग्राम आ गई ये लाइन आ गई एल वन ये आगे एल टू और जो इनका डिस्टेंस है डी वन और डी टू वो इक्व डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है ये लाइन ठीक है और ये एल थ्री जो लाइन है वो हमने ले लिया कि वो एक लाइन है जो इन दोनों लाइन से इक्व डिस्टेंस पे है ठीक है हमें इक्वेशन ऑफ लाइंस लिखा है बेटा एल वन अब आप देख रहे हैं जब भी हमारे पास पैर लाइंस होती है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है पैलर लाइंस की पैलर लाइंस की प्रॉपर्टी ये होती है जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो ये सी वन ये सी टू मतलब ए और ए यहाँ पे सेम होता है बी और बी यहाँ पे सेम होता है जो कांस्टेंट नंबर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं ठीक है बेटा अब यहाँ पे आप देख रहे थे इक्वेशन हमें नाइन एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस सेवन दी गई है तो नाइन एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस सेवन है इसको हमने थ्री से डिवाइड किया किससे किया थ्री से तो हमारे पास थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस सेवन बाई थ्री आ गया ठीक है तो दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या दी गई थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस सिक्स दिया गया था ऑलरेडी ठीक है देख रहे हैं आप ए ए सेम बी बी सेम एंड सी और सी डिफरेंट आया ओके बेटा और हमें ये बोला गया है लाइन एल वन एंड एल टू आर पैर लाइंस ठीक है और हमने लेट किया जो एल थ्री लाइन है उसकी इक्वेशन पैरल लाइंस में तो हमारा ए और बी सेम रहेगा बट सी जो कांस्टेंट नंबर है वो डिफरेंट रहेगा इसलिए हमने यहाँ पे सी ही रखा है क्योंकि हमें वो सी फाइंड करना है वी वो वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन पैरल लाइन्स अब पैरल uh, लाइन का जो डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला बताइए क्या होता है वो ये होता है डी इज इक्वल टू मॉडुलस सी वन माइनस सी टू अपॉन में बेटा ए स्क्यर माइनस बी स्क्र ठीक है ये फार्मूला होता है हमारा डिस्टेंस बिटवीन पैरल लाइंस ठीक है अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है हमें ये बोला गया है डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन एल थ्री एंड एल वन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एल थ्री एंड एल टू लाइन ठीक है लाइंस ओके बेटा तो हम इसका डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा सी वन माइनस सी टू अपॉन में ए स्क्यर माइनस बी स्क्र ठीक है इज इक्वल टू सी वन माइनस सी टू अपॉन में ए स्क्यर प्लस सॉरी हाँ प्लस बी स्क्र ठीक है तो यहाँ पे इस लाइन का हम सी ले रहे हैं इस लाइन का हमारी जो है इसका सी वन ले रहे हैं इसका सी टू ले रहे हैं ठीक है तो सी माइनस एल वन का जो है एल वन जो लाइन है उसका सी है माइनस सेवन बाय थ्री तो ये माइनस ये क्या बन जाएगा प्लस सेवन बाय थ्री अपॉन में ए स्क्र है बेटा ए है हमारे पास थ्री का स्क्यर प्लस बी स्क्र है टू का स्क्र ठीक है इज इक्वल टू यहाँ पे हम एल थ्री का जो अगेन Uh, C1 ले रहे हैं वो C है और माइनस एल का जो C है वो सिक्स है क्या है वो सिक्स है वो माइनस सिक्स आ गया अपॉन में बेटा ए स्केर और बी स्केयर ले लिया हमने ठीक है तो ये ए स्केयर ये इससे कैंसिल हो जाएगा सेम सेम वैल्यू तो हमारे पास मॉडलस में बचा ये अब आप देख रहे हैं ये मॉडलस है ये मॉडलस है, है तो हमारे पास अगेन यहाँ पे टू केस आएंगे ठीक है यहाँ पे हमने प्लस माइनस ले लिया ठीक है बेटा क्योंकि सी की वैल्यू कुछ भी आ सकती है पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए हम ये लेते हैं ठीक है थीके? पहले हम फर्स्ट केस से करेंगे सी सी प्लस सेवन बाय थ्री इज टू सी माइनस सिक्स और दूसरा केस है सी प्लस सेवन बाय थ्री इज इक्वल टू माइनस सी माइनस ये ठीक है अब आप देख रहे हैं प्लस प्लस में हमारा तो c कैंसिल हो रहा है तो नंबर इज इक्वल टू नंबर तो ये नॉट पॉसिबल आएगा हमारे पास इससे वैल्यू वैल्यू नहीं आ सकती बेटा नॉट पॉसिबल अब नंबर है नंबर है ना तो सी की वैल्यू कोई नहीं आ रही यहाँ से हम देख रहे हैं सी प्लस सेवन बाय थ्री इज इक्वल टू माइनस सी प्लस सिक्स अब आप सी को इस साइड ले आइए और इसको इस साइड ले आइए तो टू सी हो गया आपके पास सिक्स थ्रीजा एट्टीन माइनस सेवन बाय थ्री तो ये आ गया आपके पास इलेवन बाय थ्री ठीक है और सी की वैल्यू जो है हमारे पास ये आ गई सी की वैल्यू देखो क्या यहाँ पे सी इज इक्वल टू इलेवन बाय थ्री मल्टीप्लाई में वन बाय टू तो सी आ गया हमारे पास इलेवन बाय सिक्स ठीक है सी आ गया तो नेक्स्ट हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैर लाइन आई है एल थ्री की वो क्या आई है आप लिखेंगे देयर फोर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन एल थ्री वो क्या आई है थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस सी कितना है इलेवन बाई सिक्स इक्वल टू जीरो ठीक है जो एनसीईआरटी का आंसर है वो आप इसको सॉल्व करेंगे एटीन एक्स प्लस ट्वेल्व वाई प्लस इलेवन इक्वल टू जीरो तो ये आपका क्या है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन एल थ्री ठीक है बेटा थैंक यू